So hello everyone, today we are going to discuss the regarding how to make effective blog, okay, and how to increase your viewers on your blog post, okay. So first of all we will talk about the पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉग लिखना कैसे है, ठीक है. क्योंकि ब्लॉग सपोज दैट आपका कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको नॉलेज है अच्छे से, तो बेसिकली आप उस पर ब्लॉग लिखना चाहिए आपको, ठीक है. क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें क्या है, जो थॉट्स हैं ऑटोमेटिकली आएंगे और आप एक अच्छा ब्लॉग उस पर लिख सकते हैं, ठीक है. सेकेंड चीज़ है आपका ब्लॉग का टाइटल थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए. एंड ऐसा होना चाहिए कि अगर गूगल पे आप डालो उसको तो वो रैंक कर जाए, ठीक है. रैंक कर जाए इन द सेंस, अगर टाइटल आप डाल रहे हो तो फर्स्ट या सेकंड पे इस तरह से आना चाहिए. अंडर 3 आ रहा है ना, देन इट इज़ बेस्ट फॉर यू. टाइटल छोटा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर दे कि ब्लॉग में है क्या क्या, ठीक है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट बात हम करते हैं कि कितने वर्ड्स होने चाहिए ब्लॉग पे, ठीक है. ब्लॉग एक्चुअली ब्लॉग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना नॉलेज जो है आप शेयर करते हो, जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनको, ठीक है. अपना मीन्स नॉलेज आप शेयर कर रहे हो या दे रहे हो कुछ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपको ऐसा नॉलेज शेयर करो जो थोड़ा यूनिक हो, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करके आप दूसरे को शेयर कर रहे हो, ठीक है. इससे क्या है, लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आएगा और वो लोग आपको फॉलो भी नहीं करेंगे, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि एक हफ्ते में एक ब्लॉग लिखो, और अबाउट 600 या 700 वर्ड्स इज इनफ. बहुत है 700 वर्ड्स, ठीक है. और इफेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आप क्या करो, हफ्ते में पर डे मतलब कम से कम 10 आर्टिकल ऐसे सेलेक्ट करो जो आपके ब्लॉग के टाइटल से रिलेटेड हो, ठीक है. फिर आप उसमें देखो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आप हेडिंग वाइज कोशिश करो लिखने की, ठीक है. तो इससे ज़्यादा इफेक्ट व्यूअर्स पे पड़ता है, ठीक है. ऑटोमेटिकली अगर आपका अच्छा आर्टिकल अगर इस तरह से लिखते हो ना, तो व्यूअर्स एक बार आएगा, सेकंड टाइम वो अपने आप आएगा, आपको लिंक भी नहीं शेयर करना पड़ेगा किसी के पास, ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. चौथी चीज़ है कैसे आप सोशल व्यूअर्स बढ़ाएं, ठीक है. कैसे ब्लॉग को लोगों मीन्स ब्लॉग पे लोग कैसे आएँ, ठीक है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्निंग का एक सोर्स है, और बेसिकली जितने ज़्यादा आपके उसमें व्यूअर्स होंगे उतना ही आपको उससे थोड़ा इनकम होगी, ठीक है. तो उसमें क्या है, बहुत सारे सोशल मीडियाज को यूज़ कर सकते हो, लाइक क्वेराज है, ठीक है. क्वेरा एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग क्वेश्चनिंग एंसरिंग करते हैं, ठीक है. तो सपोज आपने ब्लॉग लिखा तो आपको चाहिए कि क्वेरा पे जाके लोगों के ब्लॉग पे मेनली ब्लॉगर के पेज पे जाके उसमें क्या है बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो अगर आपको आता है तो आप आंसर दो, नीचे अपना लिंक शेयर कर दो, ठीक है. तो क्वेरा हो गया. फेसबुक हो गया, फेसबुक में बहुत सारे लोग ब्लॉगर का स्पेशल पेज बना के बहुत सारे लोग अराउंड मैंने देखा था 40-50,000 अराउंड अटेंडेंस, ठीक है. तो उसमें भी आप लोगों के आंसर देखिए आप नीचे अपना लिंक शेयर कर सकते हो. सपोज दैट आपने ब्लॉग इनवाइट किया बहुत सारे फ्रेंडों को मीन्स फेसबुक पे, अराउंड 30 या 40,000 फ्रेंड आपने सपोज दैट बना लिए, ठीक है. फिर एक कोई ब्लॉग लिखा और शेयर किया इतने पे 20 पे सपोज 20,000 को शेयर कर दिया, ठीक है. बहुत सारे मैथड्स हैं जिससे आप 20,000 एक ब्लॉग को एक लिंक को आप ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर सकते हो, ठीक है. तो सपोज 20,000 आपने शेयर किया तो 10,000 मान के चलो आपका आ गया, ठीक है, एक ब्लॉग पे. अगर एक ब्लॉग पे 10,000 आ गया तो मतलब अगर 10 ब्लॉग लिखे मीन्स 1,00,000 व्यूअर्स आ गए, ठीक है. तो ये मतलब थोड़ा टेक्निकल है, आपको यूट्यूब पे जाके सीखना पड़ेगा कि हम एक मैसेज को लोगों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है. तो इसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, और डेफिनेटली मतलब अगर आप ऐसा करोगे ना तो व्यूवर्स आएंगे, आपका इनकम बहुत जल्दी रैंक करेगा, 3-4 महीने में आप मतलब आपके पास इनकम अच्छी खासी होने लगेगी, ठीक है. और चौथी चीज़ है लोग मतलब हाँ चौथी चीज़ है आप जो भी ब्लॉग लिखो ब्लॉग में क्या है आप इमेजेस कहाँ से सेलेक्ट करोगे. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, ठीक है. जैसे आपका कौन सा हो गया, इधर पिक्सब हो गया, ठीक है, पिक्सल्स पे है, ठीक है, शटरस्टॉक पे है, बहुत सारे मीन्स उसमें क्या कुछ इमेजेस वो फ्री देते हैं आपको, ठीक है. उसको उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है. तो उस वहाँ से इमेजेस को लेके आप उसमें आप कम से कम एक ब्लॉग पे दो इमेजेस इफेक्टिव होनी चाहिए, कि ऐसे इमेजेस होने चाहिए कि आप कहीं भी कॉपी लिंक करो जैसे मैटर ना पड़ के आपकी इमेजेस देख के वो आपको व्यू करें मीन्स देखें आपका ब्लॉग, ठीक है. तो ये हो गया. और दूसरा है आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए. सपोज आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, ठीक है, आपने 15-20 ब्लॉग उस पर डाले, ठीक है. तो कम से कम 5 या 6 मंथ थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकम क्या है थोड़ा लेट में शुरू होता है, आफ्टर फाइव और सिक्स मंथ्स ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ हो गया, ठीक है. और हाँ थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखो कि हमें एक हफ्ते में एक ब्लॉग लिखना है तो लिखना है. ऐसा नहीं कि आपने एक ब्लॉग लिखा आफ्टर दैट 2 महीने बाद लिख रहे हो, ठीक है. तो एक कंटिन्यूटी आप देखो कि हमें एक हफ्ते बाद एक ब्लॉग लिखना है और इफेक्टिव तरीके से लिखना है, ठीक है. तो ये चीज़ हो गया. और क्या है, हाँ ठीक है. तो ये चीज़ें ब्लॉगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. यही चीज़ें मुझे शेयर करना था आप लोगों से, तो प्लीज़ फॉलो दिस, ठीक है. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है. देखूंगा जो भी हमसे हो पाएगा, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा. ओके, थैंक यू.